हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी के और उसमें हमारा मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे फिरोज शाह तुगलक से। लास्ट हम कर रहे थे तुगलक डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए थे फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के ही कज़न थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद जो थियोलॉजियंस थे उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पे बिठा दिया था एज अ नेक्स्ट सुल्तान। अब फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पे बैठने के बाद उनको दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, तो इसीलिए उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी नोबिलिटी आर्मी और थियोलॉजियंस को खुश करने के लिए। पॉलिसी क्या थी जो इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट करी थी वो ये थी कि वो सेंटर में बैठकर उन्हीं एरियाज पे वो एडमिनिस्टर करेंगे जहाँ पे वो इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उन एरियाज पर ही वो अपनी अथॉरिटी बनाकर रखेंगे। बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो अथॉरिटी थी वो साउथ इंडिया और डेक्कन तक भी रीअसर्ट कर दी थी। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी बात डिक्लेयर करी कि अगर किसी नोबल की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उनका बेटा है वो गद्दी पर बैठेगा, इन केस उनका कोई बेटा नहीं है तो उनका जो सन इन लॉ है वो गद्दी पर बैठेगा। और इन द एब्सेंस ऑफ सन इन लॉ, मान लो उनकी कोई बेटी भी नहीं रही, अगर बेटी नहीं होगी तो सन इन लॉ भी नहीं होगा ना, तो अगर सन इन लॉ भी नहीं है तो उस केस में उनका जो स्लेव होगा वो गद्दी पर बैठेगा। अब जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने अपनी जो आर्मी थी आर्मी में उन्होंने हेरिडिटरी वाला सिस्टम थोड़ा एक्सटेंड किया था। क्या किया था, उन्होंने बोला था कि अगर किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है, सोल्जर की डेथ के बाद जो उनका बेटा है उसको आर्मी में रखा जाएगा, उसको आर्मी ज्वाइन करवाई जाएगी। तो जो सोल्जर्स होते थे उनको कैश में पेमेंट नहीं दी जाती थी, उनको लैंड रेवन्यू असाइन किया जाता था। जैसे कि विलेजेस की कुछ जो लैंड होती थी तो वो असाइन कर दिया जाता था कि इस विलेज की इतनी लैंड का जो रेवेन्यू है ये इस पर्टिकुलर सोल्जर को दिया जाएगा। तो ये वाली जो पेमेंट की टेक्निक थी सोल्जर्स की ये किसी को भी पसंद नहीं थी, इसको बहुत सारे लोग जो थे वो क्रिटिसाइज करते थे। फिर फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि वो थियोलॉजियंस का विश्वास जीत सके, उनको ये यकीन दिला सके कि वो एक ट्रू मुस्लिम किंग है। इसके लिए उन्होंने जो उनके अंडर स्टेट थी उसको ट्रू इस्लामिक स्टेट भी डिक्लेयर किया था। उन्होंने बोला था कि जो मेरी स्टेट है, उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया था कि जो मेरी स्टेट है वो ट्रूली इस्लामिक स्टेट है। तो थियोलॉजियंस की सेटिस्फेक्शन के लिए थियोलॉजियंस कौन होते हैं, थियोलॉजियंस होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर रिलीजन की पूरी नॉलेज होती है। तो थियोलॉजियंस की सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने बहुत सारे थियोलॉजियंस को हाई ऑफिसर्स में अपॉइंट भी किया था। इसके बाद उन्होंने जो थियोलॉजियंस थे उनका विश्वास जीतने के लिए ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस में जितनी भी प्रैक्टिसेस थी वो बैन कर दी। जिन प्रैक्टिसेस को ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस बोलते थे बेसिकली, वो वाली जो प्रैक्टिसेस थी वो उन्होंने बैन कर दी थी। अब ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस की बात हो रही है तो जो ऑर्थोडॉक्स है उसमें तो वो मतलब जो नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस है वो सारी बैन करनी ही थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने जो मुस्लिम वोमेन थी उनका बाहर जाना बंद कर दिया था। मुस्लिम वोमेन जैसे ग्रेव्स पे जाती थी वर्शिप करने के लिए तो वहाँ पे उनका जाना बंद कर दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे एक सेपरेट टैक्स लगाया जाता था जिसका नाम था जजिया, और ये जो जजिया लगाया जाता था ना ये बेसिकली नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। तो ये वाला टैक्स ब्राह्मण्स पे भी लगाया जाता था, बस सिर्फ एक शरीयत पे नहीं लगाया जाता था। जो शरीयत होते हैं वो भी एक तरह के मुस्लिम्स ही होते हैं, तो जो जजिया टैक्स था वो सब पे लगाया जाता था मुस्लिम्स को छोड़कर, ये एक नॉन मुस्लिम टैक्स था। तो इसके बाद इन्होंने कुरान के अकॉर्डिंग जो इनका टैक्सेशन का सिस्टम था एक नया टैक्सेशन का सिस्टम लेकर आए थे जिसमें इन्होंने चार तरह के टैक्सेस सैंक्शन करे थे। कौन कौन से थे, एक तो था खारिज, जकत, जजिया एंड खमस। तो ये चार टैक्स वो लगाते थे। खारिज कौन सा टैक्स था, खारिज था लैंड टैक्स, जो लैंड पे टैक्स लगाया जाता था उसको बोलते थे खारिज टैक्स। और जो लैंड टैक्स लगाया जाता था ये किस हिसाब से लगाया जाता था, ये लैंड की प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग लगाया जाता था कि किसी लैंड में जितनी भी प्रोड्यूस होगी उसका जो 1/10 है वो टैक्स देना पड़ेगा उनको। फिर आता है जकत, जकत था प्रॉपर्टी टैक्स, ये 2% टैक्स लगता था प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट आता है जजिया, जो जजिया टैक्स था ये नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। और फोर्थ टैक्स आता है खमस, खमस टैक्स कौन सा था कि वॉर के टाइम पे जितनी भी बूटी कैप्चर करके लाते हैं उसका जो 1/5 है वो इनको
देना पड़ेगा। तो ये चार टैक्स उन्होंने उस टाइम पे लगाए थे। इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर को इनकरेज करने के लिए इरिगेशन पे काफ़ी ध्यान दिया था। इरिगेशन में उन्होंने जो कैनाल्स थी, बहुत सारी कैनाल्स को रिपेयर भी करवाया था। तो उसके बाद उन्होंने उस पे लगा दिया वाटर टैक्स, जिसको बोलते हैं हक के शरब और हासिल शरब। जो ये तो हमारे फिरोज शाह तुगलक थे, ये बहुत अच्छे बिल्डर भी थे। इन्होंने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद ये सारी सिटीज़ भी बनाई थी, और ये सारी सिटीज़ उन्होंने अपने क्रेडिट पे ही बनाई थी। जो जौनपुर की सिटी इन्होंने बनाई थी, जौनपुर की सिटी इन्होंने बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो इसीलिए इसका नाम था, उनके निक नेम जौना खान से रखा था, जौनपुर। फिर इन्होंने अशोका के दो पिलर्स जो कि वो दिल्ली में लेकर आए थे, कहाँ कहाँ से लेकर आए थे, एक तो हरियाणा टोपरा से लेकर आए थे और दूसरा पिलर वो मेरठ यूपी से दिल्ली में लेकर आए थे। इसके अलावा सुल्तान ने दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था दारुल शिफा। फिर इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम रखा था दीवाने खरात, और इसमें ये क्या करते थे, इसमें ये जो गरीब लड़कियां होती हैं उनकी शादी करते थे। तो इसीलिए इन्होंने इस तरह से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली लोगों का विश्वास जीत रखा था, लोगों को अपने साथ बांध कर रखा हुआ था। इसके अलावा वो ऑफिशियल्स को उन्होंने ये भी ऑर्डर दे रखा था कि अगर वो कहीं पे अटैक करते हैं तो वहाँ पे अगर उनको कोई काबिल लड़का नज़र में आता है, हैंडसम वेल बॉर्न यंग बॉय, अगर उनको कोई अच्छा लगता है तो वो उसको सुल्तान के पास लेकर आएंगे एज अ स्लेव। तो इसीलिए जो इनका जो रूल था, बेसिकली फिरोज शाह तुगलक का जो रूल था, उस रूल के टाइम पे जितनी भी शांति थी और ट्रैंक्विलिटी आ रही थी, उन सब का जो क्रेडिट है वो जाता है इनके प्राइम मिनिस्टर खान जहां मकबूल के पास। उनकी वजह से ही इनका जो रूल था वो इतना अच्छा रहा था। फाइनली 1388 में इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ होने के बाद जो तुगलक डायनेस्टी है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाई थी। तुगलक डायनेस्टी भी साथ ही डिक्लाइन कर गई थी। जो मालवा, गुजरात, शर्की, जौनपुर के किंगडम्स थे वो सारे के सारे दिल्ली सल्तनत से टूटकर अलग हो चुके थे। फिर उसके बाद आता है तैमूर इन्वेजन। तैमूर इन्वेजन कब हुआ था, ये हुआ था 1398 में, जब इंडिया में रूल था मोहम्मद शाह तुगलक का। मोहम्मद शाह तुगलक कौन थे, मोहम्मद शाह तुगलक तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। तो तैमूर कौन था, तैमूर एक टर्किश चीफ था, मंगोलिया से आया था, चेंगिस खान का ही ये डिसेंडेंट था, और इसने 1398 में इंडिया को इन्वेड कर लिया। फिर जो तैमूर की आर्मी थी, तैमूर की आर्मी ने दिल्ली में सब कुछ तबाह कर दिया था, बहुत भयंकर तरीके से दिल्ली को तबाह कर गए थे ये। और जाते जाते बाद में तैमूर सेंट्रल एशिया को चला गया, और जाते जाते ये पीछे छोड़ गया अपना एक नॉमिनी जिसका नाम था खिजर खान, और वो फिर बाद में पंजाब में रूल करने लगा था। और 1404 में उसकी भी डेथ हो जाती है जब वो चाइना को कॉन्कर करने जा रहा होता है। तो इस तरह से तुगलक डायनेस्टी डिक्लाइन हो जाती है। फिर नेक्स्ट डायनेस्टी जो आती है वो आती है सैयद डायनेस्टी, और इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।